एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे पर्स, जिसके लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि गर्ल्स के लिए, छोटी बच्चियों के लिए पर्स बनाना सिखा दे, बट इसको कोई भी यूज़ कर सकता है अगर यूज़ करना चाहे तो। बहुत ही ईजी पैटर्न है, मैंने कोशिश की है इसको बहुत ही आसान रखूँ। चीज़ें जो हमें चाहिए, ऊन चाहिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो, निटिंग नीडल्स है मेरे पास 5 mm की है, आप कोई भी यूज़ कर ले जो आपके पास अवेलेबल है। विड्थ और लेंथ को फॉलो कीजिएगा जो मैं बताऊँगी आपको, और कैंची चाहिए डेफिनेटली, इंच टिप चाहिए और निडल चाहिए। बटन आप अपने हिसाब से रखेंगे कि कौन से बटन आपने लगाने हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 1, 2, 3, 4 जितने भी आप लगाना चाहें, आप पे डिपेंड करता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन के लिए यू कैन यूज़ एनी मेथड, कोई भी आप कास्ट ऑन का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस कास्ट ऑन मेथड, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ओके, कास्ट ऑन 22 stitches, 22 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। आप देखेंगे अगर आपके पास पतली सिलाइयाँ और ऊन हैं तो थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। मैं आपको नाप के बता दूंगी कि क्या मुझे विड्थ मिली है, बट आप कम और ज़्यादा विड्थ रख सकते हैं, जितना चौड़ा आपको पर्स चाहिए या क्या। बस मेथड ये यूज़ कर लें, फिर देखें आपको कोई भी साइज़ जो चाहिए आप वो रख लें। साइज़ छोटी बड़ी आप कर सकते हैं या आप पे डिपेंड करता है। 22 फंदे मैं कास्ट ऑन कर लेती हूँ, 22 stitches कास्ट ऑन। 22 फंदे यहाँ पे मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं, 22 stitches, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 22 stitches कास्ट ऑन। रो 1, आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, पहली सिलाई फंदे सिलाई पर डाल लेने के बाद पहला फंदा स्लिप 1, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, देन निट टू द लास्ट स्टिच, और फिर आखिरी फंदे तक सारे फंदे सीधे बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप किया और फिर आखिरी फंदे तक सारे फंदे सीधे बुनेंगे। मैं स्किप नहीं कर रही, मैं दिखा रही हूँ ताकि बिगिनर्स जो हैं उनको हेल्प हो। बहुत इजी प्रोजेक्ट है, समर प्रोजेक्ट है, आप गिफ्ट बना के दे सकते हैं किसी को भी, बहुत ही आसान है। बिगिनर हैं, फॉलो करें इसको और बनाएं आप, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा आपका। मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई भी डिटेल मिस ना करूँ, ठीक है। स्लिप 1, निट टू द लास्ट स्टिच, देन पर्ल दिस 1। एक फंदा स्लिप किया, आखिरी फंदे तक हमने सारे फंदे सीधे बुने और आखिरी फंदे को उल्टा बुनेंगे। पर्ल मीन्स उल्टा फंदा, धागा आगे किया और इसको हमने उल्टा बुना। हमने पहला फंदा स्लिप किया और आखिरी को उल्टा इसलिए बुना ताकि हमें नीट एजिंग मिले, जो उसकी साइडें हैं वो नीट मिले। मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी जब ये बुन लूँगी। नाउ कीप रिपीटिंग रो 1 फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर द पर्स। यही सिलाई आपने रिपीट करते जाना है जो आपको लेंथ चाहिए अपने पर्स के लिए। ये मैं आपको नाप के बताऊंगी कि इसकी क्या है, बट आपको अगर और बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए साइज़ में तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, बट यही सिलाई रिपीट करते जाना है। लेट मी शो यू वंस मोर टू हेल्प बिगिनर। एक दफ़ा मैं और दिखाती हूँ बिगिनर्स की हेल्प के लिए। स्लिप 1, निट वाइज स्लिप किया, कीप इट टाइट, डोंट मेक इट लूज, इसको थोड़ा सा खींच के रखना है। ओके, नाउ निट ऑल स्टिचेस टू द लास्ट स्टिच, सेम वी आर रिपीटिंग सेम रो, हम वही सिलाई रिपीट कर रहे हैं। बहुत ही आसान मेथड है ये पैटर्न। सी, निट मीन्स सीधा फंदा, पर्ल मीन्स उल्टा फंदा। ये बिगिनर्स के लिए ये डिटेल्स बता रही हूँ टू हेल्प बिगिनर्स। सो बेसिकली दिस इज अ, नाउ वी विल पर्ल दिस स्टिच, ये फंदा उल्टा, इसको थोड़ा सा खींच लें। यहाँ पे हमने दूसरी सिलाई भी बुन ली है, वी आर डन विद द सेकेंड रो। नाउ यू कीप रिपीटिंग दिस वन रो, रो 1 फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर योर प्रोजेक्ट। आपको इसकी
लेंथ और विड्थ नाप के दिखाती हूँ कि अगर आपके पास सेम साइज़ की निडल और यार्न नहीं है तो आपको अभी क्या बटन्स के बटन होल्स बनाने से पहले आपको क्या जो है इसकी लेंथ मिली है और विड्थ। हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो है, अगर निडल के नीचे से नाप रहे हैं तो 14 इंचेस इसकी लेंथ है हमारे पास। बट यू कैन कीप इट अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं पर्स छोटा बड़ा आपने रखना हो तो। अभी 14 इंचेस है। विड्थ जो है इसकी वो है 4.5 इंचेस। 4.5 इंचेस तक इसकी विड्थ है, आप बढ़ा और घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब हमने लेंथ तो हमें मिल गई है, अब बटन होल रो आएगी हमारी। बटन होल रो के लिए स्लिप वन, एक फंदा स्लिप किया, नेट फाइव, पांच फंदे सीधे बुने, तीन चार पांच, स्लिप वन नेट फाइव, एक फंदा सीधा और स्लिप किया, पांच सीधे बुने, यार्न ओवर धागा लपेटा, दो फंदे साथ में। अब निट टू टुगेदर पहले करें या बाद में, आपकी मर्जी, हमने होल बनाना है। अगर आप बिगनर हैं तो पैटर्न को एज इट इज़ फॉलो करें क्योंकि ये चीज़ आपको फ़िलहाल नहीं समझ आएगी, ठीक है। यार्न ओवर निट टू टुगेदर। अब निट थ्री, वन टू थ्री, स्लिप वन निट फाइव, यार्न ओवर निट टू टुगेदर एंड निट थ्री, अगेन यार्न ओवर निट टू टुगेदर, क्योंकि यार्न ओवर से एक धागा बढ़ेगा तो निट टू टुगेदर से एक घटेगा, निट टू टुगेदर। जब भी आप यार्न ओवर करेंगे आपने निट टू टुगेदर करना है इस केस में जहाँ पे आप बटन होल बनाएंगे, ठीक है। अगेन निट थ्री, वन टू थ्री, तीन फंदे सीधे बुन लिए, यार्न ओवर किया, धागा लपेटा, दो फंदे साथ बुने और उसके बाद फिर तीन फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे और दो फंदे साथ में बुनेंगे, ठीक है। और अब फिर से ये तीन फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे और आखिरी फंदा उल्टा बुनेंगे, एज स्टिच, ठीक है। ये हो गई हमारी बटन होल रो। जितने फंदे मेरे पास थे उस हिसाब से मैंने इनको डिवाइड किया था। आप अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे कि आपको एक बटन चाहिए, दो तीन, जितने बटन चाहिए आप उस हिसाब से डिवाइड करके फंदों को और बटन होल बनाएंगे। दूसरा, बिगिनर हैं तो एज इट इज़ फॉलो करें फ़िलहाल के लिए, आगे चल के आप चेंजेस कर सकते हैं। अब रिटर्न रो, नेक्स्ट रो सेम एज रो वन, जिस तरह यहाँ पे हमने पहली सिलाई बुनी, स्लिप वन नेट द लास्ट स्टिच एंड पर्ल लास्ट स्टिच, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप किया, सारे फंदे सीधे बुनेंगे और उसके बाद आखिरी वाला उल्टा। अब मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो यार्न ओवर किया है उसको हम कैसे बुनेंगे, उसको भी हम सीधा ही बुनेंगे क्योंकि हमें होल चाहिए और यहाँ पे होल बनेगा। कीप डूइंग दिस निट द लास्ट स्टिच, आखिरी फंदे तक आपने सीधा बुन लेना है जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखें इस तरह से, ठीक है, इसको सीधा सीधा बुनते जाएं। जस्ट बिगनर के लिए मैं इतनी डिटेल्स बता रही हूँ, अगर आप को ये चीज़ आती हैं तो प्लीज़ डोंट माइंड, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाती है कि बिगनर्स को हेल्प हो, सही है। अब धागा आके आखिरी वाले को पर्ल दिस वन। यहाँ पे बटन होल रो बुनने के बाद मैंने चार और सिलाई बुनी, एक रिटर्न रो, उसके बाद तीन, क्योंकि मैंने, आपने देखना है कि आपको बटन होल्स के बाद कितना थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैंने टू गार्टर स्टिच की रोज है यहाँ पे। ये देखें, ये राइट साइड है, दिस इज़ द राइट साइड ऑफ योर वर्क एंड फ्रॉम हेयर आफ्टर बटन होल रो यू हैव टू गार्टर स्टिच रिजेस, मतलब ये सीधी साइड है आपके प्रोजेक्ट की, ये लाइन देखें, और उसके बाद आपने दो, ये देखें ये गार्टर स्टिच की रिज है, एक दो, बट मैंने क्या किया है, बटन होल रो जो हमने बनाई उसके बाद रिटर्न रो
और फिर एक दो तीन, टोटल फोर रोज, फोर रोज आफ्टर बटन होल रोज सेम निट सेम वे, स्लिप वन निट टू द लास्ट स्टिच इज पर्ल, देन रिटर्न स्लिप वन निट टू द लास्ट स्टिच इन पर्ल वन. नाउ वी विल बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेज विथ एनी मेथड यू नो, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर दिस मेथड. कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं फंदे बाइंड ऑफ करने का. ये मेथड का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप बिगिनर हैं और सीखना चाह रहे हैं तो. बहुत ही सिंपल मेथड है. यू विल नेट नेक्स्ट स्टिच देन स्लिप दिस स्टिच ओवर, नेट अगेन स्लिप दिस स्टिच ओवर. फंदा आपने बुना और ये वाला पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से गुजार के ड्रॉप कर दिया. फंदा आपने बुना, ये वाला इसके ऊपर से गुजार के ड्रॉप कर दिया. यहाँ पे हमने सारे स्टिचेस फंदे जो हैं वो बंद कर दिए हैं राइट साइड से. अब इसको ऊन को हम सिक्योर करके काट लेंगे आखिरी फंदे को. धागा थोड़ा सा आप ज़्यादा काटिएगा ताकि आपको इसको थोड़ा सा खींच लें ताकि आपको साइड सीने के काम आ जाए. ठीक है, तो ये वाला धागा हम खींच रहे थे, अब इसको हम काटेंगे. सही है, सिक्योर एंड कट यार्न. अब यहाँ पे हमने इसको सीना है, इसकी साइडें. यहाँ पे मैंने एक साइड सी के कंप्लीट कर ली है पर्स की. ये देखें अंदर से ये इसकी इसका लुक है और बाहर से इस तरह दिखेगा. बट आपको कोई भी मेथड आता हो साइड सीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर नहीं आता तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी अगर बिगिनर्स हैं जो. वैसे मैंने बहुत सारे पैटर्न सिखाए, तरीके सिखाए हुए हैं कि किस तरह साइड सीते हैं निटिंग में, स्वेटर की, शोल्डर्स की, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होता है थोड़ा सा. आप नाप लेंगे क्योंकि ये तो मैंने साइड सी ली है जो हमारे पास धागा था उसके साथ वेव इन भी कर लिया है. अब इसका डबल हमने रखना है और थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि वेव इन के लिए भी काम आता है. डबल से ज़्यादा वेव इन के लिए भी काम आए ताकि आराम से आप वेव इन कर सकेंगे. ठीक है, धागा लेंगे आप और सुई से इसको हम सियेंगे. हम सबसे पहले यहाँ पर कोने में ये निडल यहाँ से इंसर्ट करेंगे और इसको पूरा नहीं खींचेंगे बाहर ताकि ये धागा हम वेव इन करें बाहर. ठीक है, इसको इधर ही रखना है आपने वेव इन के लिए. उसके बाद फिर यहाँ से आपने इसको फिक्स करना है. यहाँ पे धागा फिक्स हो गया. उसके बाद आप यहाँ पे ये देख रहे हैं इस तरह का इसका शेप. यहाँ से यहाँ, ठीक है, और फिर ये जो चेन देख रहे हैं यहाँ से इस तरह से आपने ज्वाइन करना है. इसी तरह आपने मिलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा मिला के खींचते जाना है. पहले आप इसको थोड़ा सा पकड़ लें ताकि ये बाहर ना आए, फिर यहाँ से खींच लें. ठीक है, अब इसी तरह हम इसे मिलाते जाएंगे. यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसी तरह इसको सी लेंगे, उसके बाद वेव इन करेंगे.
यहाँ पे मैंने ये भी बटन आपको बता दिया है कैसे लगाना है, ये भी बटन आपको बता दिया है ऐसे लगाना है। मैंने दरअसल आप सबसे पूछा था कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा, किसी ने कहा पर्पल, किसी ने कहा ब्लू, तो मैंने कहा दोनों लगा लेती हूँ, दोनों सारे खुश हो जाएं। तो जो ये वाला बटन है हम बैक साइड पे लगाएंगे हेयर, क्योंकि हम फिर इसके लिए जो बटन होले इस तरह से डालेंगे, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे ही टू डेकोरेट इसको इस तरह से लगा दिया है। अब यहाँ पे हम ये वाला लगाएंगे और फिर से यहाँ पे ये वाला बटन लगाएंगे और यहाँ पे ये ब्लू। दीज टू आर टोटली ऑप्शनल, यू कैन यूज़ एनी डिज़ाइन एंड कलर ऑफ बटन्स यू लाइक। सो अभी हम इसको सारा यहाँ पे लगा लेंगे। आप कोई भी डिज़ाइन के और कलर के बटन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पर्स रेडी हो गया है। अब इसकी डोरी बनाएंगे, कॉर्ड हैंडल जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे कॉर्ड के लिए जो हैंडल होता है पर्स का, तो उसके लिए हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। आपने धागा ज़्यादा छोड़ना है ताकि वो धागा आपको सीने के काम आएगा पर्स के साथ उस डोरी को। तो हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। कास्ट ऑन 5 stitches विद अ लॉन्ग टेल, यूज़ एनी मेथड टू कास्ट ऑन 5 stitches, ओके। I am using double pointed needle for this cord because it is easy, but you can also make this cord on straight needles. I will show you the method. मैं double pointed यहाँ पर ये needles use कर रही हूँ because ये बहुत आसान होती हैं, आपको ये जल्दी जल्दी आप cord बुन लेंगे, but आप इस पर भी ये बुन सकते हैं। किसी के पास अगर नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता दूँगी कि कैसे करते हैं। फिलहाल हम इसे शुरू करते हैं, ठीक है। After casting on stitches, 5 stitches for the cord, 5 फंदे सिलाई पे डाल लें। उसके बाद आपने क्या करना है, knit all stitches, सारे फंदे सीधे बुन लें। knit all stitches, okay? Now, slip these stitches to this side. To this corner point, again leave the tail here, okay. Now again knit these 5 stitches. हमने क्या किया, इन फंदों को इस तरफ स्लिप किया इस पॉइंट की तरफ, और 5 फंदों को फिर से हमने इसी धागे के साथ सीधा बुनना है, ठीक है। Keep it tight. Keep repeating this method, slip it and knit 5 stitches with the same yarn. इसी तरह आपने slip करते जाना है और 5 फंदे सीधे सीधे ही बुनने हैं same yarn से, जिससे हमारी गोल डोरी बनेगी, ठीक है। Again slip to this side. और आपने इसको खींचना है वरना सही से राउंड नहीं होगी, इस तरह से देखें, ठीक है। ये मैंने 2 stitches पे भी बताई हुई है, 3 stitches पे भी बताई हुई है। अगर आप में से कोई बिगनर है और जिसको प्रॉब्लम हो, वो वहाँ पे पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। डोरी को आप 2 या 3 का भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। बस आपने क्या करना है, स्लिप करते जाना है। मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगी, आपने यही रिपीट करते जाना है अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल्स हैं। बट अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल्स नहीं हैं, स्ट्रेट नीडल हैं, तो मैं उनके लिए बस शो करती हूँ कि आपने किस तरह ये डोरी बनानी है, जस्ट टू हेल्प बिगिनर्स। दिस इज टू शो जस्ट टू हेल्प बिगिनर्स, ओके। सो लेट सपोज यू आर ऑन अ स्ट्रेट नीडल, आपके पास सीधी सिलाई है और आपने फंदे 5 बुन लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, नाउ Put this 5 stitches back on the left hand needle. इस वाले हाथ की सिलाई पे आपने back लेने हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपने धागा इस तरफ आ गया ना, आप क्या करेंगे, knit 5 stitches again. This is how you do it on a straight needle. इस तरह से आप इसको straight needle पे कर सकते हैं, single pointed needle पे, अगर आपके पास double pointed नहीं है तो।
हैं, तो वेल एंड गुड, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब क्या हम डबल डबल पॉइंट एंड में क्या कर रहे थे, इस तरफ लेके जा रहे थे, बट इधर तो पॉइंट नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे। इट इज़ बिट स्लो, बट इफ़ यू डोंट हैव स्ट्रेट डबल पॉइंट एंड निडल्स, दिस इज़ गुड ऑप्शन टू डू। अगर आप, ये थोड़ा सा स्लो होगा, बट ये है कि अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास डीपीएंस नहीं है डबल पॉइंट एंड निडल्स, तो ये आपके लिए अच्छा मेथड होगा। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सिलाई नहीं है और मैं नहीं बुनना चाह रही, बुन नहीं सकती। आप बुन सकते हैं अगेन, ठीक है। देखें ये इस तरह से है ना, ये धागा ये वाला लेंगे एंड निट दिस, जस्ट कीप रिपीटिंग दिस। यू नीड टू निट ऑल द स्टिचेस, जस्ट निट एंड स्लिप एंड निट एंड स्लिप, एंड इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन अ स्ट्रेट निडल, जस्ट पुट इट बैक एंड निट अगेन, पुट इट बैक एंड निट अगेन। सो दिस इज हाउ वी डू इट ऑन द सिंगल पॉइंट एंड निडल। इस तरह से आप सिंगल पॉइंट निडल पे कर सकते हैं, अगर आपके पास डीपिन नहीं है तो, इफ़ यू डोंट हैव डीपिन, पुट इट बैक। मैंने ये डोरी काफ़ी बुन ली है, ये देखें आप अपने हिसाब से, लेंथ के हिसाब से इसको बुनेंगे, कि बच्चे के लिए बना रहे हैं या बड़े के लिए बना रहे हैं, तो आप शोल्डर पे रख के भी इसको नाप सकते हैं कि ये कितना लंबा है। ओके, बाकी ये मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ कि जो मैंने बुनी है अभी वो कितना डोरी, वो कितनी लंबी है, सही है, ताकि जो इसको फॉलो कर रहे हैं सेम लेंथ को, मेजरमेंट्स को, उसको उनको आसानी हो। यहाँ पे हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो है 39 इंचेस, बट यू कैन कीप लेंथ अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट यू हैव। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, 39 to 40 इसकी जो है अभी हमें मिली है लेंथ, अभी हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। लंबा छोड़ेंगे ताकि सीने के काम आए। यहां पे हमारी कॉर्ड रेडी हो गई है, अब हम इसे सीएंगे। बहुत सिंपल मेथड है सीने का, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको आता है। ये देखें, इस तरफ भी धागा छोड़ा हुआ है, इस तरफ भी धागा छोड़ा हुआ है, इससे हम इस रस्सी को, इस डोरी को जो है वो पर्स के साथ सिएंगे, ठीक है। कंट्रास्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरह से। ओके, आप सुई लेंगे और यहाँ पे इसको अंदर की तरफ से, ठीक है, यहां से, तो हम इसे सी लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारा पर्स रेडी हो गया है, हमने यहाँ पे डोरी भी लगा दी है,
से, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, और ये आप इस पे फ़ोन भी डाल सकते हैं, सॉरी फ़ोन डाल सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, और फिर यहाँ पे वहाँ बटन्स को क्लोज कर लें, बच्चों के टॉय भी डाल सकते हैं, उनकी कैंडीज टॉफ़ीज़ आप जिस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे बताइएगा आपको ये पर्स कैसा लगा है, बनाइएगा और पिक्चर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे फेसबुक पेज पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।